Xiaomi Max Pro अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो ना, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। जी हाँ, मैंने इसे परचेस किया था और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ इस मोबाइल में, मैं टोटली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको भी इन सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बॉक्स को ले लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपके सामने अनबॉक्सिंग करके कि मुझे किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा इस Xiaomi Max Pro को परचेस करने के बाद। सबसे पहले तो देख लो आप यहाँ पे कि हमें बॉक्स में कैसा मिलता है यहाँ पर सामान। तो यहाँ पर देखिए पूरे अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंशन की गई है मैक्स 6000 mAh की बैटरी यहाँ पर पूरी बड़ी बड़ी लिखी गई है और साथ में यहाँ पर हमें जो प्राइस लिखा हुआ 9999, लेकिन मुझे ये पर आ गया अप्रोक्स 6600 के लगभग। ठीक है, तो चलिए इसे हम अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और मुझे क्या किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा वो टोटल आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए हमें बॉक्स कुछ इस टाइप का मिल जाता है और बॉक्स के अंदर हम जैसे इसे अनबॉक्स करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट मिलते हैं हमारे हैंडसेट को, और हैंडसेट बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, सारी स्टिकर वगैरह सब कुछ अच्छे से यहाँ पर मजा है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो आपको वीडियो के में ही पता चलेगा, तो आप देखते रहो। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इसे निकाल लेता हूँ और यहाँ पर हमें कुछ यूजल मैनुअल वगैरह मिल जाते हैं बॉक्स, और साथ में हमें यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है सब कुछ, और देखिए क्या क्या Xiaomi ने हमें इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर डाल रखा है बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सब कुछ पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद ही मैं बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये जो चार्जर है हमें चार्जर नॉर्मली है 5V 2A के यहाँ पर चार्जर हमें मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर हमें एक मिलता है सिम इजेक्टर पिन। ठीक है, तो वो तो सभी के साथ देना ही पड़ेगा भाई, सिम डालना है तो सिम इजेक्टर पिन तो चाहिए ना। और यहाँ पर हमें एक केबल मिल जाता है, और केबल जो है करीब अच्छा खासा केबल है, केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, केबल बहुत अच्छे से काम कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर अब डायरेक्ट हम चलते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस Xiaomi Max Pro मोबाइल में किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है आप लोगों को भी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लो कि हमें जो मोबाइल मिलता है ना, वो मोबाइल मैंने यहाँ पर रेड कलर का मंगाया हुआ है, और साथ में यहाँ पर स्टिकर वगैरह सब कुछ है, और मोबाइल के जैसे मैंने स्टिकर हटाया बिल्कुल नया एकदम चमचमाता हुआ मोबाइल मेरे हाथ में है, और इसे मैं यहाँ पर स्टार्ट भी कर ले रहा हूँ। चलिए इसे फटाफट मैं स्टार्ट कर लूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। तो ये कर लिया हमने डन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं जी इस मोबाइल की जो प्रॉब्लम है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर अबाउट फोन में जैसे गया ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो रैम हमें मिला है वो 3GB, मैंने भी यहाँ पर 3GB रैम देख कर इसे परचेज किया था, बिकॉज इतने कम अगर प्राइस में हमें 3GB रैम मिलता है तो ज़रूरी अच्छा हो, और साथ में एंड्रॉयड 10 की भी यहाँ पर सपोर्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद मैंने इसे परचेज किया था, मैंने सोचा था शायद ये अच्छा ही होगा देखने में, पर मुझे चलाने के बाद इसे पता चला कि ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि 3GB रैम है और बहुत अच्छे से काम करेगा, आप इसमें गेम वगैरह सब कुछ खेल सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और प्रॉब्लम ये जी है, मोबाइल जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, इसे अगर आप चलाकर थोड़ी देर रख देते हो कहीं पर भी तो ये मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, और इसे के लिए मैंने इसे रिटर्न रिक्वेस्ट भी डाला था। वैसे तो जो पहला मोबाइल रहता है उसमें रिटर्न रिक्वेस्ट रहने से रिप्लेस ही मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कुछ ट्रबल शूटिंग वगैरह फैक्ट्री डाटा रिसेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर रिसेट ऑप्शन जैसे इरेजर डाटा फैक्ट्री रिसेट जो था, इसे भी मैंने कर दिया, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट वाले लोगों ने मुझे बताया वैसे मैंने कर दिया, फिर भी मेरा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, और मेरा मोबाइल स्विच ऑफ मतलब दिन में 2-3 बार स्विच ऑफ तो हो ही जाता था। इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि नया मोबाइल है एक तो, और इतना ज़्यादा अगर डिस्टर्ब करेगा तो बाद में जाकर क्या हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ करने के बाद फिर मैंने फ्लिपकार्ट वालों को बताया कि मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरा मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखिए मैंने जैसे रिक्वेस्ट डाला था वो सब कुछ आपके सामने यहाँ पर मैं शो करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये इसी यूं ही मोबाइल का यहाँ पर बदनामी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मोबाइल में मेरे साथ प्रॉब्लम जो हुआ था वो मैं आपको दिखा देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपना फ्लिपकार्ट ऐप खोला, और जैसे मैंने इसे परचेज़ किया होता देख सकते हैं आप यहाँ पर, हाँ मिल गया। तो चलिए इसे हम टैप करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसे ऑर्डर किया, ऑर्डर होने के बाद मैंने इसे रिसीव किया, और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम हो रहा था स्विच ऑफ का, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पर इसे रिक्वेस्ट डाला था कि रिटर्न के लिए, एक्चुअली ये रिप्लेस था, तो इसे यहाँ पर उन्होंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न कब किया, जब ट्रबल शूटिंग उन्होंने सारे करवा दिए, फैक्ट्री डाटा रिसेट वगैरह सब कुछ मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने फिर बताया फ्लिपकार्ट वालों को कि ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरा मोबाइल जो है प्रॉब्लम दे रहा है। तो उन्होंने मेरे घर पर एक टेक्नीशियन भेजा था जिसका यही काम था कि वो कैसे भी करके
मोबाइल को सॉल्व करे मोबाइल का प्रॉब्लम और मुझे मोबाइल दे दे। पर उसने वो भी यहाँ पर जो फैक्ट्री डाटा रिसेट करने ही आया था, ठीक है, तो मैंने उसे बताया तो उसने भी यहाँ पर मेरा जो रिक्वेस्ट था उसे अप्रूव कर दिया और मुझे इसका फाइनली रिफंड मिल चुका है मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार देख लीजिए इस मोबाइल में यहाँ पर ये प्रॉब्लम होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, बहुत अच्छे अच्छे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहता हूँ। आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन गुड बाय।